नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो वनडे सीरीज का ऐलान हो गया है और वो कहाँ खेली जाएगी, कब खेली जाएगी और इंडिया का स्क्वाड वनडे का कैसा होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और आप किस चैनल पर देख सकते हो उसकी भी जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो और चाहते हो कि इंडियन टीम ये सीरीज जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली गई थी और वो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। इसके साथ ही अब दोनों टीम के बीच 2 अक्टूबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज आगाज होने जा रहा है। इसी बीच दोनों टीमों के बीच में 3 वनडे मैचों की श्रृंखला की घोषणा भी कर दी गई है। और आइए चलिए नज़र डालते हैं कि मैच शेड्यूल पर और देखते हैं कि भारत की संभावित वनडे टीम कौन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच में पहला वनडे 12 मार्च को धर्मशाला में और दूसरा वनडे 15 मार्च को लखनऊ में खेला जाएगा और तीसरा एक दिवसीय मैच 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। तो दोस्तों सभी वनडे भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होंगे, जिसका सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और मोबाइल पर हॉटस्टार पर देख सकते हो और डीडी स्पोर्ट पर आप टीवी पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके साथ ही बता दें कि भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना अगले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 3 साल बाद वापसी कर सकते हैं। वह अब घुटने की सर्जरी से भी उभर चुके हैं। इसके साथ ही वही महेंद्र सिंह धोनी भी भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। धोनी ने विश्व कप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी एक दिवसीय मैच खेला। तो दोस्तों तो इंडियन टीम का स्क्वाड के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली कप्तान, KL राहुल, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को दोस्तों जगह मिल सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।